असलम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल फ़ैशन जर्नी आज इस वीडियो में मैं प्लीटेड स्लीव बनाना सिखाऊंगी थोड़े दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था इस गाउन का जिसमें मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई थी अप टू शोल्डर जॉइंट तक तो इसका लिंक मैं ऊपर दूंगी आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा तो अब मैं स्लीवस कट करने के लिए साइड का जो फैब्रिक बचा होगा उसको हम फोल्ड करेंगे और हाइट तो आप टेन या इलेवेन इंच मतलब कि आप एल्बो तक का हाइट रखें ये बेटर है इस टाइप के स्लीव्स के लिए तो मैं यहाँ पे फोर्टीन इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा चाहिए और इसकी जो आप ब्रेथ लेंगे आर्म होल प्लस टू इंचेस लेंगे तो नाइन इंचेस पे मैं मार्क करूँगी और थ्री इंचेस डाउन लूँगी इस साइड और बॉटम का मेजरमेंट होगा टेन इंचेस तो गाइस इस तरफ टू इंच तक आप स्ट्रेट लाइन करें और इस तरह से कर्व दें इसलिए की कटिंग इसी तरह से होती है अब हम सिक्स इंच के नीचे थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ शेप देंगे स्लीव्स को तो यहाँ पे सिक्स या सेवन इंच सिक्स इंच आप रख सकते हैं मैं सेवन इंच रखा है इसको इस तरह से शेप दें और बॉटम पे वन इंच अपवर्ड्स फिर इसको थोड़ा सा कर्व दे दें नेक्स्ट आप इसे काट दें गाइस नीचे हम लोग प्लेट्स के लिए स्ट्रेट कटिंग रखेंगे प्लेट्स बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने बॉटम पे टेन इंचेस रखा है स्लीव्स लेकिन आप उसे कम भी रख सकते हैं अगर बेल का जो हम लोग प्लेट्स बनाएंगे कोई तो और फ्लेयर आ जाएगा अगर आपको कम फ्लेयर रखना है तो आप रख सकते हैं आप टू सिक्स टू सेवन इंचेस रख सकते हैं नेक्स्ट हम लाइनिंग कट करेंगे लाइनिंग को इस तरह फोल्ड दें और ऊपर के फैब्रिक से आप एक इंच छोटा आप लाइनिंग रख सकते हैं तो इसी तरह आप कट करें जैसे कि वीडियो में बताया जा रहा है और तो मैं बॉटम पे उतना फ्लेयर नहीं लूँगी जितना कि मैंने बेल रखा है जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं उतना ही बॉटम पे मार्किंग दूंगी तो मैं यहाँ पे फाइव एंड हाफ इंच मार्क किया है और वन इंच वेंस और इस तरह कर्व दे के सॉरी इस तरह क्रॉस लाइन लगा के इसको कट करें गाइस नेक्स्ट हमें स्ट्रिप कट करेंगे सिक्स इंचेस वाइड होगी और इसकी जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी सिक्स इंचेस होगी और लंबाई जो होगी तो टेन इंचेस बेल होगा हमारा तो ट्वेंटी इंचेस टोटल तो इसका डबल सिक्सटी इंचेस तो मैं यहाँ पे टोटल फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव इंचेस का आ, फैब्रिक कट करूँगी तो इसे काट दें ये सिर्फ आपको नियरली ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी थर्टी इंच का लेंथ मिलेगा और ज़्यादा लेंथ आपको चाहिए तो आप इसको जो भी रिमेनिंग फैब्रिक होगा उस पर मार्किंग देख के काट के आप जॉइंट कर सकते हैं तो इसको हम जॉइंट करेंगे इन दोनों फैब्रिक्स को आप अपने स्लीव्स के बॉटम पे हेम दे लेकिन मैं इस यहाँ पे हेम नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये लेस फैब्रिक है और स्ट्रिप की एक तरफ पिको करेंगे तो यहाँ पे मैं हेम नहीं दे रही हूँ हेम देने के लिए मैंने वन इंच बॉटम के लिए छोड़ा था इसलिए मैं वन एंड हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे अगर आप हेम देंगे तो वन इंच ऑलरेडी तो हेम हो जाएगा तो हाफ इंच पे आप मार्क करना है और प्लिट्स जैसे मैंने बनाना सिखाया है उसी तरह प्लेट्स बनाना है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ लूँगी तो वन एंड हाफ इंच मार्क किया है तो आप इस ट्रिप को जहाँ पे हमने पिको किया है पिन की मदद से इसको फिक्स करें और फॉर्क से मैं आपको प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीका है अगर इस मेथड से आप आ, प्लेट्स बनाएंगे तो इक्वल प्लेट्स बन के आएंगे और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं गाइस लेकिन आपको जो आ, फैब्रिक है आ, बहुत बड़ा फैब्रिक चाहिए होता है इसके लिए अगर अब मैं मैंने कहा कि मेरा स्लीव्स का जो मैंने बेल लिया है टेन इंचेस फोल्डिंग पे तो ट्वेंटी इंचेस है तो इसका ट्रिपल मेजरमेंट आपको लेना है इसका मतलब सिक्सटी इंचज़ थोड़ा कम आप कर सकते हैं या फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव इंचज आप ले सकते हैं अगर आप रैंडम प्लेट्स बना रहे हैं थोड़ा स्पेस छोड़ के तो आप छोटे जो लेंथ होती है उस पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन इस तरह से प्लेट्स बनाने से इक्वल और बहुत प्यारे प्लेट्स बनते हैं और बहुत आसान होता है मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में फॉर्क से प्लेट्स बनाना सिखाया है तो गाइस इस तरह आप प्लेट्स बनाएं दोनों स्लीव्स पे अगर आप मेरा वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन को जो कि सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं गाइस आप अपने फैमिली फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स जो कि स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो उनको मेरा वीडियो शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना तो ना भूलें क्योंकि आपके कॉमेंट से बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच किया है खाली ऊपर की तरफ तो आ, सेंटर मार्क करेंगे और इस तरह से शोल्डर पर स्लीवस को अटैच करेंगे तो सेम वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्लीव्स अटैच करना शोल्डर से आर्म पेट एरिया तक आप एक बार अटैच करें फिर आर्म पेट से वापस शोल्डर की तरफ जाएंगे और फिर दूसरी तरफ स्टिच करेंगे इस तरह से आर्म पेट एरिया में या आर्म होल में आपको डबल स्टिचेस आ जाएगी और आपकी सिलाई जो होगी पक्की हो जाएगी गाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो होगा एलिगेंट एंड फैंसी गाउन डिव डिज़ाइंस जो कि पार्ट टू वीडियो होगी मैंने इसका पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है थोड़े दिनों पहले उसका कंटिन्यूशन होगा गाइस सब्सक्राइब करके कनेक्ट में रहें और मुझे फॉलो करें आप इंस्टाग्राम पर जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अब मैं आपको साइड ज्वाइन करना सिखाऊंगी इसके लिए आर्म पिट एरिया में आप पिन से इसको फिक्स करें दोनों साइड पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स की लाइनिंग जो हो है बॉटम की तरफ ये बेल नहीं है छोटी है इसकी ब्रेथ जो है कम है तो इसको कैसे ज्वाइन करते हैं मैं आपको बताऊँगी तो दोनों तरफ इसी तरह आप पिन लगाएं और जितना भी सीम हम लोगों ने छोड़ा है उसको मार्किंग दें आप डायरेक्ट भी जॉइंट कर सकते हैं ये जो स्टेप मैं अब बता रही हूँ वो बिगनर्स या स्टार्टर्स के लिए होता है तो इस तरह से वन एंड हाफ इंच जो मैंने सीम एलावेंस छोड़ा था वो मार्क करके आप जॉइंट करें नेक्स्ट हम आर्म पिट से थोड़ा नीचे फोर इंच के नीचे से हम स्टिच करेंगे स्लीव्स तो फोर टू फाइव इंच के नीचे से स्टिच करके हम बगल की तरफ आएंगे और यहाँ से नियरली टेन टू ट्वेल्व इंचेस नीचे तक स्टिच करेंगे अब देख सकते हो इसी तरह आप स्टेप फॉलो करें तो जब हम एंड करेंगे तो यहाँ पे डबल स्टिच दे एंड करेंगे इसके बाद की जो स्टिचिंग होगी लाइनिंग और टॉप फैब्रिक सेपरेट स्टिच करेंगे जिसके लिए आप देख सकते हो लाइनिंग को हम सेपरेट करेंगे पहले और जो स्टिच होगी सिर्फ टॉप फैब्रिक पे स्टिच लगाएंगे थोड़ा सा आप नीडल को लिफ्ट करें और थोड़ा आगे की तरफ आके अब टॉप फैब्रिक पे स्टिच दें बॉटम तक तो जब आप ये स्टिचिंग स्टार्ट करोगी तो ये डबल स्टिच डाल के ही आप स्टिच स्टार्ट करना है गाइस ये वीडियो अपलोड करने का मेरा यही मतलब है कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हाफ वाइट कलर का फैब्रिक और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन किया है जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन ज़रूर है लेकिन इसको मैं और दूसरे कलर से भी हाफ वाइट और दूसरे कलर से भी या मैरून या फिर कोई दूसरा कलर भी इसको मैं यूज़ कर सकती थी लेकिन क्या है कि लॉकडाउन की वजह से शॉप्स ओपन नहीं हैं जो कि आपके पास जो अवेलेबल फ़ैब्रिक्स होते हैं उसको हम ले के कैसे स्टिच कर सकते हैं मिक्स एंड मैच करके ये मैंने आ, इस वीडियो में बताया है तो आप भी अपने फैब्रिक्स जो कि अवेलेबल है घर पर तो उसको मिक्स एंड मैच करके आप स्टिच करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे डिज़ाइन्स होंगे जो कि आप सिंपल डिज़ाइंस है और एलिगेंट डिज़ाइन्स भी है उसमें आप फॉलो कर सकते हैं गाइस आप उन डिज़ाइंस को देख के गाउन स्टिच कर सकते हो तो ऊपर वाला फैब्रिक स्टिच होने के बाद मैंने लाइनिंग स्टिच किया है नेक्स्ट हम आर्म पिट से स्लीव्स की तरफ स्टिच करेंगे सेम मेथड होगा जो कि मैंने अभी साइड स्टिच करने के लिए बताया था उसी तरह तो मैंने चार इंच के नीचे जो ऑलरेडी स्टिच लगाया हुआ है uh, तो यहाँ पे मैं लाइनिंग को इस तरह सेपरेट करके पहले टॉप फैब्रिक पे स्टिच लगाऊंगी जिससे कि हम लोगों ने साइड्स पे स्टिचिंग लगाई थी तो बॉटम तक आप स्टिच लगाएं और यहाँ पे बॉटम पे मैंने पिको नहीं किया है वो लास्ट में आप कर सकते हो नेक्स्ट होगी लाइनिंग की स्टिचिंग तो लाइनिंग की स्टिचिंग जो होगी आप आमपिट से ही शुरू करना है आप देख सकते हो इसी तरह आप साथ ही स्टिच करें फिर लाइनिंग को सेपरेटली अलग से बाहर की तरफ लें थोड़ा सा पहले बाहर की तरफ ले और इसको स्टिच करते हैं। आप बॉटम तक जॉइंट करना होगा तो दूसरी तरफ भी इसी तरह आप स्टिच करें लेकिन गाइस ये गाउन बन के रेडी हुई है लेकिन इस पर जो ऑर्नामेंटेशन्स होते हैं वो आ, इनकम्प्लीट है इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा मैं इंस्टाग्राम पर इसको शेयर करूंगी आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कॉमेंट करना भूलें गाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे अल्लाह